तो किया ने अपनी चौथी कार इंडिया के लिए कारेंस का खुलासा कर दिया है और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरदीप सिंह बरार, किया इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड एंड सेल्स और मार्केटिंग के। हरदीप, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। हमें ये बताइए कि अलग अलग सेगमेंट्स को आप देखते हैं, ये पर्टिकुलर सेगमेंट तो 6-7 सीटर सेगमेंट है, कितना अहम है किया के लिए? देखिए, ये जो सेगमेंट है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये सेगमेंट तकरीबन 5 या 6% होता था, अब ये दो सेगमेंट जिसमें MPVs और 6-7 सीटर SUVs आते हैं वो तकरीबन 14-15% तक पहुंच गया है, जो कि काफ़ी बड़ा मार्केट है। और अगर हम ट्रेंड देखें तो ये हर साल ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया स्पेस है, इसीलिए हमने ये अपना नया रिक्रिएशनल व्हीकल इस सेगमेंट के अंदर पेश करा है। SUVs ऑलरेडी हैं, सोनेट थी, सेल्टॉस है, एक 7 सीटर की आपको क्या ज़रूरत लगी और मार्केट से आपको किस तरह का फीडबैक आया कि इस कार की ज़रूरत कितनी थी? जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर 5% से कोई सेगमेंट 13-14-15% तक पहुंच रहा है, इसका मतलब कस्टमर का शिफ्ट हो रहा है इसकी तरफ। तो दैट वाज द होल थिंग, क्योंकि लोग मेरे ख्याल से चाहते हैं कि अगर कभी फैमिली को साथ लेके जाना है एंड यू नीड 6-7 सीट्स, दैट इज़ गुड। अगर आप 4 लोग हैं एंड यू आर गोइंग फॉर वेकेशन वेरी ऑफन, तो आपको ज़्यादा लगेज के लिए जगह मिल जाता है। सो आई थिंक लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाता है और बेस्ड ऑन ओकेजन ये इसको यूज़ कर सकते हैं। किस तरह के फीचर्स हैं, क्योंकि आपके पास एक लंबी लिस्ट होती है कि आप क्या क्या किसी पेशकश कर सकते हैं, क्या नहीं देना है, क्या देना है, कहाँ आपको लगता है कि कहाँ रुक जाना चाहिए, आपके लिए कितना मुश्किल होता है डिसाइड करना कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए? बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको फीचर्स और प्राइस को बैलेंस करना पड़ता है, बट इस केस में वी हैव गॉन फुल हॉग। जैसे कि आपने देखा डिज़ाइन, इसका SUV-ish डिज़ाइन है। अगर आप इंटीरियर्स में देखते हैं तो आपको डिजिटल फीचर्स जैसे कि 10.25 इंच का जो ऑडियो विजुअल स्क्रीन है विद नेविगेशन विद टच, इसका जो डिजिटल क्लस्टर है वो बिल्कुल डिजिटल है। अगर आप सीट्स देखते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं और इसका आप लेदर की क्वालिटी देखते हैं, बिल्कुल टॉप नॉच, टॉप क्लास है। द सेकेंड रो वन टच इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिकली फोल्डिंग सीट, जो कि कस्टमर की डिमांड थी बिकॉज काफ़ी लोग स्ट्रगल करते थे सेकेंड रो को फोल्ड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सेफ्टी वॉज अ टॉप प्रायरिटी इन कस्टमर्स के लिए, तो इसलिए हमने इसके स्टैंडर्ड जो बेस वेरियंट है उसमें 10 सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड दे दिए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स। थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिज़ाइन की कार की ऑलरेडी, जो क्योंकि मैंने बोला कि सोनेट है और सेल्टॉस है, कितना अलग आपने करने की कोशिश करी, स्पेशली जो कार का चेहरा है या कार के ओवरऑल लुक है उसको कितना डिफरेंट करने की कोशिश कंपनी की तरफ से की गई है? देखिए, अगर आप देखेंगे इसका लुक एंड फील काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि लोगों को डिफरेंट डिज़ाइंस पसंद है, इसकी अलग फिलॉसफी है। तो लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं जो DRLs हैं इसमें, यू नो, जो कि हम इसको स्टार मैप बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टलेशंस को मैच करता है, सो पीपल वांट डिफरेंट डिज़ाइन इन द सेम कंपनी। सो इफ़ यू लुक एट सेल्टॉस, सोनेट एंड नाउ द किया कारिंस एंड फॉर दैट मैटर किया कार्निवल, ऑल ऑफ देम हैव अ वेरी डिफरेंट यूनिक आइडेंटिटी एंड दैट्स व्हाट पीपल लव अबाउट किया। किया के एक बायर को एक आदत से होगी कि एक नॉर्मल रेगुलर वेरिएंट्स के साथ हमें एक GT line भी देखने को मिलता है, उसकी इस कार के ऊपर कुछ फिट बैठता है या वो आप उसको इस बार नहीं करेंगे? देखिए, हर एक उसके अंदर हमारे डिफरेंट ट्रिम्स रहेंगे, अभी हमने वो रिवील नहीं करा है, तो नेक्स्ट स्टेप है जब हम रिवील करेंगे तो आपको बताएंगे कि कौन कौन से ट्रिम। लेकिन फाइनली आप हमको कुछ इंजन के बारे में बता सकते हैं क्या क्या आप इसमें पेश करेंगे? तो इसमें अभी 3 इंजन लेके आएंगे, हमारा पेट्रोल 1.5 लीटर इंजन है एंड देन टर्बो विच इज़ 1.4 लीटर डीजल इंजन एंड देन 1.5 लीटर डीजल इंजन। इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों? तो पेट्रोल इंजन में DCT आएगा और डीजल इंजन में 6-speed ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है मिस्टर बरार, थैंक यू सो मच, आपने हमको टाइम दिया और कारेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।